स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महत्वाकांक्षी 7 इस निश्चय योजना की सफलता का लाख ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, लेकिन इसकी सच्ची वानगी हम आज आपको दिखाते हैं। 7 निश्चय योजना में सुमार हर गली नाली की सच्चाई देखना चाहते हैं तो आइए देवाधिदेव महादेव की नगरी कहे जाने वाली मधेपुरा के सिंहेश्वर शांति वन गली वार्ड नंबर 11। सरकार द्वारा अब सिंहेश्वर को नगर पंचायत घोषित किया गया है, वहीं तत्काल इस क्षेत्र का जिम्मा अभी मधेपुरा नगर परिषद के हाथों में ही है। गौरतलब है कि अधिकारियों ने लोगों को गंदे नाले के पानी में कैद कर रखा है। सिंहेश्वर वार्ड 11 की जनता पूरे शहर के गंदे नाले के पानी के बीच जिंदगी जीने को विवश है। या हैजा फैले या अन्य गंभीर बीमारी, न यहाँ के अधिकारियों को मतलब है न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। लंबे समय से वार्ड 11 की जनता जानवर से बदतर जिंदगी जी रही है। समस्या यह है कि इस वार्ड में नाला नहीं है और सिंहेश्वर के विभिन्न वार्डों के गंदे नाले के पानी का निकास इधर ही है, जिसे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 फीट लगे पानी में लोगों का चलना फिरना होता है, लोग त्वचा के रोग से परेशान हो रहे हैं, साथ ही दुर्गंध भरे वातावरण के बीच सांस लेते लेते अब परेशान हो गए हैं। कई लोगों ने तो अपना घर छोड़ दिया है और भाड़े के मकान पर रह रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से किया गया, लेकिन किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि वार्ड 11 की जनता किस कानून के तहत गंदे नाले की पानी में जीने को विवश है। दूसरा कि यहाँ अगर कोई गंभीर बीमारी पनपती है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे। तीसरा कि क्या यही सरकार की स्वच्छता अभियान का सफलता का एकमात्र उदाहरण है। घर तक पानी भरल छे, बाकी सीढ़ी तक सबके पानी लगल छे, ठीक कोई कोनो व्यवस्था नहीं कर रहल छे। आबे छे वोट मांग के प्रणाम पाति करके वोट ले ले छे। हम सब गरीब लोग नहीं जाने छे उतना दे दे छे, लेकिन बाल बच्चा सब बीमार रहे छे, इतना बीमार रहे छे पानी तक पिए के व्यवस्था कुछो नहीं छे। कहीं जाके कहाँ जेते बाल बच्चा लेके। कितना घर प्रभावित छे? इतना गली में छे कम से कम 40-50 घर। 40-50 घर, हाँ। कौन सा जगह छे? पेट्रोल पंप के पीछे वार्ड नंबर 11 शांतिवन गली। यहाँ पानी का निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया और सरपंच को कहते कहते हम लोग थक गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। क्या 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 परेशानी हुआ है? पानी की निकासी नहीं है इधर। कितना पानी लगा आपको? पानी चल के देखिए भाट डाल पर इतना पानी है, गाय माल हमारा यहाँ पानी में बांधा हुआ है। अभी नाद पूरा डूबा हुआ है इतना पानी में। हमारा अंगना कल तक पानी है अभी है। नेताजी लोग निकासी कहीं नहीं है? नेताजी लोग बोलते नहीं है, बताए नहीं है। यहाँ कहता है नंबर वार्ड में मुखिया सरपंच कहता है कोई काम नहीं होगा। काहे नहीं होगा काम? वोट हम लोग उसको नहीं दिए थे, इसीलिए ना काम होगा। के है नेताजी? वो कौन है वार्ड सदस्य यहाँ का? वार्ड सदस्य मुखिया जी, मुखिया वार्ड सदस्य कैलाश राम है। अच्छा, मुखिया जी कौन है? मुखिया किशोरी सिंह। अच्छा, चलिए। क्या नाम हुआ आपका? सरवण राम सर। हम लोग का साल भर सब साल ऐसे होता है बारम्बार, समझे? तो बारिश का मौसम होता है तो पानी लोग हम लोग निकासी के लिए बोलते हैं तो कोई सुनने के लिए नहीं राजी होता है। तो सरकार के पास बोलते हैं तो कोई सुनता आता है, सब अपना अपना काम देख सुन के बस चल जाता अपना घर। तो सबके घर में पानी लगवा के तकरीबन कितना घर होगा? करीब 50 घर से अधिक है। कौन सा जगह है ये? शांतिवन गली वार्ड नंबर 11। अब तक तो हम लोग जो सुविधा जो है ढेर सब नहीं मिला है। हम लोग जो है लगभग 4 साल से जो है पानी में डूब रहे हैं, बाल बच्चा से लेकर गया माज तक हर एक चीज तक जो है ना सब घर में पानी घुसा हुआ है। सबके घर के आगे में पानी लगा हुआ है। तो कितना घर होगा तकरीबन यहाँ पर? लगभग तकरीबन तो यहाँ लगभग जो घर लगभग 250 घर होगा सर, यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। तो हर साल का यही हाल है? जी जी। तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाए कि नहीं? आवाज उठाए भी थे सर जी। तो क्या कहा गया आप लोगों को? तो बोला अभी तो जो है ना फंड हम लोग को जो है ना ले आया, ये मतलब 11 नंबर वार्ड का जो है फंड, नाला का जैसे हो गया, रोड को हो गया, ये सब का नहीं आया हुआ फंड।
पानी यही कहा जम जाता है, निकासी का तो निकासी की जरूरत नहीं है पानी। समस्या ये हम की नियति में ही दिया गया है, लगभग विगत कई वर्षों से यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि जीतते हैं और शुद्ध लेने वाले कोई नहीं है। कम वेश पिछले वर्ष भी हमेशा ये पानी लगा हुआ था और हम और हर जगह इसकी आवाज उठा चुके हैं, मगर कोई न प्रशासन पदाधिकारी न ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पे कुछ सुनवाई करते हैं। आज के समय पूरा बस्ती पानी से जलमग्न है। तकरीबन कितना घर है? लगभग 80-40-50 घर है। लगभग मेरे पूरे बस्ती का 80% घर पूरा जलमग्न है। कौन सी जगह पर है ये? सिंहेश्वर वार्ड नंबर 11। जो और इसमें भी सबसे बड़ी खास बात है, ये मेन रोड से सबसे बगल वाला है और NH को जोड़ने वाला ये सड़क है, तब ये हाल है। नाला का कोई भी निकासी नहीं है। लगातार हम और भी इसके लिए प्रयास कर चुके हैं, मगर इस पे कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि का एक ही बात कहना है, तुम और वोट नहीं दिए तो हम और क्यों तुम और का करें। वोट नहीं दिए इसलिए काम नहीं हो रहा है। मेन मकसद यही है। क्या नाम है? सुमित कुमार वर्मा।